हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल किचन 9 में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कच्चे चावल की एक अनोखी रेसिपी जो कि बहुत ही कम तेल में बनती है। इसे छत्तीसगढ़ की रेसिपी में माना जाता है, एक सुमार है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये कच्चे चावल जो पिसे हुए हैं उसे ले ली हूँ। उसमें स्वाद अनुसार आप नमक मिलाएं। ये लहसुन के पेस्ट हैं कूटे हुए और हरी मिर्च के, ये भी आप मिक्स करें ताकि इसमें स्वाद बढ़े। ये सूजी है दोस्तों, इसे 2 चम्मच लें आप बड़े चम्मच से। 2 पिंच खाने का सोडा मिक्स करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। गर्म पानी की सहायता से इसे मिक्स करें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो इसमें चावल भी मिला सकते हैं, रात के बचे हुए या दोपहर में बचे हुए चावल भी आप मिक्स कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट बना रही हूँ कच्चे चावल के साथ। ये हमारे पानी गर्म हो चुके हैं दोस्तों, उसके ऊपर मैंने एक छलनी रख दिए हैं। चाहे आप तो स्टीमर का यूज कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से गोल शेप में या लंबे शेप में या ट्रायंगल शेप में आप इसे शेप दें परफेक्ट। ये अगर आपकी दिक्कत हो, चिपकने लगे तो थोड़ा पानी ऐड कर ले, आप हाथ में लगा लें और इसी तरह शेप में आप पूरे अच्छी तरह से बनाएं। थोड़ी दिक्कत हो तो आप इसमें थोड़े पानी ज़रूर मिलाएं हाथ में लगा के। ये हमारे पूरे तैयार हो चुके हैं दोस्तों, नीचे में पानी है। अब मैं इसे ढक देती हूँ, 15 से 20 मिनट तक इसे रहने दे कम आँच में, ताकि ये हमारे अच्छी तरह से पूरे परफेक्ट बने। 15 से 20 मिनट हो गए हैं दोस्तों, ये देखिए ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं, हमारे भाप से अच्छी तरह से बन गए, सीज गए हैं अंदर से भी। अब मैं इसे नीचे रख लेती हूँ। अब मैं कढ़ाई गर्म करूँगी, आप चाहे तो नॉनस्टिक पैन भी ले सकते हैं। बहुत ही कम तेल में बनने वाली ये रेसिपी है दोस्तों। ये देखिए हमारे कितने स्पंजी हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कढ़ाई हमारे गर्म हो चुके हैं, एक ही चम्मच में ये आपकी रेसिपी पूरी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने एक ही चम्मच तेल लिया है, ये तेल हमारे गर्म हो रहे हैं दोस्तों। ये रिफाइंड तेल मैंने लिया है दोस्तों, 1 चम्मच काली राय का यूज करें आप, 1/2 चम्मच जीरा, इसे भी अच्छे से तड़कने दें। अब मैं डालूंगी करी पत्ते, इसे भी अच्छे तरह से गर्म करें आप। स्वाद अनुसार आप तिल ले सकते हैं, यह ऑप्शनल है आपके पास। अगर सफ़ेद तिल है तो आप यूज करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 सूखी हुई लाल मिर्च ताकि फ्लेवर्स और बढ़े। ये तिल हमारे कम लग रहे थे दोस्तों, इसीलिए मैंने और डाला है इसमें, और अच्छे से मिक्स करें। ये बहुत ही अलग हटके ब्रेकफास्ट है आपके, इसे ज़रूर ट्राई करें आप। अब मैं इसे सारे डाल रही हूँ। आप चाहे तो ये स्टीम करके आप रख सकते हैं, और जब खाने का मन हो आप इसे अच्छे तरह से भून के खा सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, वो भी बहुत ही कम तेलों में। ये हमारे अब तैयार हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये रेसिपी का नाम फरे है। ये टमाटर की चटनी मैंने बनाए हैं, ये कच्ची टमाटर की चटनी है। इसमें आप 4 मिर्च लहसुन डाल के इसे मिक्सी में पीस ले और उसके साथ आप खाएं। थैंक यू।